बिजनौर के सेवानिवृत्त फौजी का सपना, हर छोटा बड़ा बच्चा सुरक्षित हो अपना। बिजनौर के हर गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं को सुनने का उठाया बेड़ा। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नांगल सोती क्षेत्र के नया गांव भूडिड मंडवाली के एक मदरसे में भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज की एक चौपाल का आयोजन ग्राम अध्यक्ष रोशी राणा व उनकी सहयोगी शशि आर्यन, नीलम देवी, कविता देवी आदि के द्वारा कराया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि टीम प्रबंधक सेवानिवृत्त फौजी हरवेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम स्वराज का उद्देश्य है कि जिले के सभी गांव को टीम से जोड़ना और प्रत्येक गांव से महिलाओं की समस्या को टीम तक पहुंचाने के लिए हर एक गाँव में एक महिला को ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और सभी मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही रेणु राणा ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है जो कि आज महिलाएं उत्साहित होकर टीम स्वराज से जुड़ रही हैं और घर घर जाकर महिलाओं की समस्या सुन रही हैं और टीम को जानकारी भी दे रही हैं। इसी के साथ जिला अध्यक्ष निशी चौधरी ने सभी महिलाओं को नियुक्ति पत्र देकर स्वराज परिवार में शामिल किया। सुजाता कौशिक जिला महासचिव ने बताया कि गांव की एक महिला को किसी तरह दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा था और टीम स्वराज ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दी और जिस तरह तुरंत संज्ञान लिया गया वह कुछ ही घंटों में समाधान भी निकाला गया। वहीं रेखा चौधरी तहसील उपाध्यक्ष नजवाद ने सभी से टीम स्वराज से जुड़ने व आर्थिक रूप से सहयोग करने का आग्रह किया ताकि टीम को सुचारू रूप से चलाया जा सके और जरूरतमंदों की मदद भी की जा सके। सीमा चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष नजवाद ने बताया कि किस तरह उनके ब्लॉक की महिलाएं बड़ी संख्या में टीम से जुड़ रही हैं और जागरूक हो रही हैं। सबाना खातून ग्राम अध्यक्ष मुस्सेपुर ने अपने समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वहां महिलाओं को लेकर ज्यादातर लोगों की सोच बहुत छोटी है और उनको भी समाज के द्वारा तानाकसी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। परिणाम स्वरूप आज लोग अपनी बेटियों को उनके जैसा बनने के लिए बोलते हैं और अपनी समस्याएं लेकर उनसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं। वहीं मुस्कान खान ने टीम स्वराज पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उनके घर वाले खुद उनको बोलते हैं कि अपने सभी रिश्तेदारों को टीम स्वराज से जोड़ो और हर जगह मीटिंग में जाओ। बड़ी बात तो यह है कि वह अकेले ही मीटिंग में आ सकती है, वो भी बिना किसी डर के। नांगल सोती से अपर्णा शर्मा और मोनिका शर्मा ने टीम स्वराज की उपलब्धियों के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी दी। वह बेटियों की शिक्षा दीक्षा पर भी जोर दिया। कविता सिंह ने भी टीम स्वराज से जुड़ने का अनुभव सबसे साझा किया और जल्द ही अपने गांव लालपुर मान में भी महिला चौपाल लगाने के लिए आमंत्रित किया। आपको यह भी बता दें कि सभा की आयोजक रोशी राणा और संजीव राणा ने बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से स्वागत किया, जिसके बाद टीम स्वराज द्वारा ग्राम अध्यक्षों को नियुक्तियां दी गईं और रोशी राणा नयागांव, शशि आर्यन जलालपुर रविदास मोहल्ला, सबाना खातून मुस्सेपुर, नीलम देवी जलालपुर, कविता देवी काशीरामपुर, किरण देवी स्यामीवाला को जिम्मेदारी देकर स्वराज परिवार में शामिल किया गया। वहीं इस सभा में सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से पवित्रता देवी, ओम लता देवी, बिपाशा, रीना देवी, सहनाज, समा, पूनम देवी, फरजाना, ताजो, बानो, गुलशन, शबनम, शकीला, मुस्कान, किश्वर, भूरी, सोफिया, मुन्नी, सरीपन, बिल्किस, रिजवाना, नसरीन, शाहीन, सानो, मीना आदि शामिल रहीं। डीपीपी न्यूज से सिकुल कुमार की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। साथ ही किसी भी खबर को डीपीपी न्यूज पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।